अभी सर कैसा फील हो रहा है? सर आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? आप कहीं प्रिंसिपल होते ना तो सारे बच्चे फेल कर देते है ना? Yes. और जिनकी गंदी शक्लें ऐसी होती वो बच्चे फर्स्ट आते है ना सर? Yes. सर ऐसा क्या कारण क्या है आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? मैं इतना लोन लिया ही क्योंकि अब हंसा नहीं जा रहा सर. हाँ अब हंसे मतलब लोन नहीं है सर पे. ऐसा तो नहीं कि सारा दिन ऐसे रहते हो फिर कमरा बंद कर. ऐसा तो नहीं करते सर कभी? सर मैंने आपकी हीरोइन से एक बात पूछनी है. जब मैं बहुत छोटा था अपनी मम्मी के पेट में था तब मैंने इनकी फिल्म देखी थी कसूर. वो ऐसे हीरो का ना हाथ करता था कितनी बेचैन ऐसा खून पी के फटाफट हीरो सफेद कर दिया. मतलब आपने बहुत अच्छा खून पिया था. क्या लीजा आप बताइए वीरप्पन के बारे में क्योंकि सर को पूछे सर यस ओके ओके या ऐसा नहीं है. सर खत्म कर देते हैं जल्दी से. आप बताइए वीरप्पन के बारे में. हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद रामू सर? इट वाज जस्ट फैंटास्टिक. दैट्स इट. आई वांट एवरीवन जस्ट टू कम एंड सी द फिल्म बिकॉज़ आरजीवी इज बैक. ये आपकी एक फिल्म थी जंगल उसमें एक गाना था बहुत हिट हुआ था और लड़की बहुत कड़क थी पतली कमर सिकना बदन. आपको भी सोच के बहुत बुरा लगेगा कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड एक नल्ला आर्टिस्ट है. मतलब नल्ला लड़का है. यू नो नल्ला ना सर? यस. जो ऐसा अभी बोल रहे थे और वो लड़की का नाम है कश्मीरा और जिससे वो प्यार करती है ना वो नल्ला बंदा कोई और नहीं आपके बगल में ही बैठा है. Yes, अभी, अभी पता चला नहीं. सर आपने नेक्स्ट मूवी के लिए ऐसा सोचा नहीं कि कोई बच्चा बच्चा ले मोटा सा कुछ? नहीं. और सोचूंगा भी नहीं. सोचूंगा भी नहीं बोल दिया. और अगर दाऊद इब्राहिम खुद आके मेरे सर पर गन रख के आपके लेने के लिए कहा तो मैं पिक्चर बनाना छोड़ दूंगा. इतना बुरा हूँ? इतना नहीं बहुत. मैं बोलूं कितना बुरा? हाँ बताइए सर प्लीज. मेरे फिल्म आग से भी बुरा है. चलो इसी बहाने आपने आग को तो माना कुछ. आई नो सर मैं मोटा हूँ अगली हूँ बस सूरत हूँ आप मुझे अपनी फिल्म में नहीं लेंगे लेकिन एक बच्चे की हेल्प तो कर सकते हैं ना? नहीं. आपको पता ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं. मैं बच्चों से ज्यादा भगवान से नफरत करता हूँ. क्या हुआ पप्पू? मेरा कॉमेडी खत्म हो गया. मैं रामू सर जैसा बैठूं. मैं एक्चुअली बहुत हंसता हूं लेकिन आपको देख के मेरा हंसना बंद हो गया. मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं कि हंसी बंद हो गई. चुलबुले बताता क्यों नहीं? नहीं. चलिए हमारे सूट वाले रामू जी से पूछते हैं. राम गोपाल वर्मा जी आपको कैसा लगा शो पे आके? ठीक. सर आप शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नल्ला. सर आपकी फिल्म वीरप्पन कब आ रही है? जब आएगी देख लेना नहीं तेल लगाने जाऊं. सर आपकी फिल्म की कितने रुपए की टिकट है? अपना काम कर मोटे. सर ऐसा कैसे रह लेते हो? रामू सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. चलिए अभी रामू सर और लीजा यहाँ पर एक छोटी सी गेम खेलेंगे सर हम लोग. सर गेम का नाम है फोटो दिखाओ और बातें बताओ. रामू सर बताइए कि इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? भूत 3 का पोस्टर लग रहा है मुझे. वो लाइटिंग की वजह से बोल रहा हूँ मैं. ये तो हमें काम देंगे नहीं और भट्ट कैम से भी काम नहीं मिलेगा.
सर इनकी कोई फिल्में देखी हैं आपने? मेनी फिल्म्स इज माय फेवरेट डायरेक्टर अर्थ. अर्थ इज माय ऑल टाइम फेवरेट. अर्थ आपकी सबसे फेवरेट. भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. सर बताइए क्या दिमाग में आ रहा है आपके? दिमाग में जो भी हो सब निकल गया. क्या मतलब सर? मतलब को आप समझना चाहिए. अच्छा इनकी फिल्में देखी हैं सर आपने? या बहुत सारे. बहुत सारी. क्या कहना है इनकी फिल्मों के बारे में? फैंटास्टिक. ईशा आपके मन में कोई ख्याल आता है इनको देख के? कूल शेड्स. She likes the shades more than Shahrukh Khan. आगे बढ़ते हैं. इससे पहले रेड चिलीज का भी काम बंद हो जाए हमारा. ए गोरिल्ला. ओ सॉरी. इसके बारे में कुछ मत कहना. अरे मुझे लगा था. जितनी फोटो देख लो इस आदमी ने मुझे बोल बच्चन दी थी. हाँ सर. आई डोंट कमेंट ऑन मेन. मैं कोई भी. इनकी आपने फिल्में देखी हैं? आई डोंट वॉच कॉमेडीज. You don't watch comedy. चलिए कोई सवाल नहीं बढ़ता. ये सिमर ससुराल का थोड़ी ये कॉमेडी शो है. जहाँ आप है कॉमेडी कैसे हो सकता है उधर? सर कभी आपने तकिए से अपना सांस घुटता हुआ देखा है? या तो सर मुझे अपने आप को मारने दो या मैं आपको मार दूं. कोई दोनों में से एक खत्म होगा तभी कुछ हो पाएगा. अपने आप को मार दो. चलिए बढ़ते हैं अगली फोटो की तरफ. अगली फोटो दिखाइए. अब तो रामू सर पक्का कमेंट करेंगे. Yes. अब तो लेसिस खुल गए. ये देखो. क्या आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आता है? ये फैमिली शो है तो वो तो नहीं बताऊंगा मैं. अच्छा पारिवारिक थॉट क्या आता है? पारिवारिक थॉट. कटरीना कैफ को देखे तो सब लोग परिवार को छोड़ने का दिल कर रहे हैं. ओके आगे बढ़ते हैं. बहुत बोला बाला दिख रहा है फोटो में. दैट इज वेरी मच अगेंस्ट सलमान's कैरेक्टर. ओके. एंड सेकंड थॉट सर? सेकंड थॉट भी वही है. इनका कैरेक्टर कैसा है मतलब? I don't like to see Salman like this. I want to see him like a hero. Okay. Sultan देखना है. Sultan देखना है आपको. चलिए रामू सर Sultan के लिए एक बार जोरदार तालियां. सर अगर आपको Salman इतना ही पसंद है, heroic पसंद है, तो उनके साथ अभी तक फिल्म क्यों नहीं की आपने? नहीं Salman जैसी इमेज को जस्टिफाई करने का काबिलियत नहीं मेरे पास. क्या बात है यार तालियां. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके बारे में रामू सर पक्का कमेंट करेंगे. ये पागल है या पागल जैसा एक्ट करता है इसमें मेरा थोड़ा शक है. अच्छा या तो ये पागल है या पागल या जैसा एक्ट करते हैं ये भी मुझे भी पता नहीं. आपको पता नहीं है लेकिन हमें यकीन है सर. ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं. कहने का मतलब तुम लोग का पहले ताली बजाने लगते तुम लोग सर हंसे पागल कहीं के. सर सेकंड थॉट क्या है इस बंदे को लेके? मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं है जितना लोग समझते हैं. उससे भी बुरा है. सर ये आदमी अगर डायरेक्टर नहीं होते तो फिर ये क्या होते? वो डायरेक्टर नहीं तो मर जाता. एक बात बोलूं कभी कभी आप शुभ भी बोल दिया करो. हमेशा मारना काटना ये अमावस के दिन पैदा हुए थे सर. लेकिन एक चीज कहेंगे इस आदमी के बारे में. वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन आवर कंट्री. रामू सर के लिए जोरदार ताली. चलिए खैर रामू सर को हम बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देना चाहते हैं. हमारे अवार्ड शो पर आए हैं तो अवार्ड लेकर आइए जल्दी से. सर रामू सर जनरली अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते हैं लेकिन सर ये नल्ला अवार्ड की तरफ से हम आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देते हैं.
ये अवार्ड प्लीज एक्सेप्ट कीजिए. चलो सर की तरफ से मैं ले लेता हूँ यार, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं अवार्ड ले लेता हूँ. चलिए मीका पाजी ने रिसीव किया है, अब थैंक यू स्पीच दीजिए. बिल्कुल जी, फैंटास्टिक, थैंक यू. अच्छा रामू सर, आप अवार्ड फंक्शन में क्यों नहीं जाते अवार्ड्स लेने? आप इतने बार आपके नॉमिनेशंस आए हैं, आपके जितने हीरोज हैं उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले हैं, तो आप क्यों नहीं जाते? आपको कभी भी नहीं देखा सर मैंने, क्यों नहीं जाते आप? यार कोई सूट नहीं सिलवाया या पार्किंग नहीं मिलती? इसलिए कि मैं अवार्ड जो लोग देते हैं उनसे ज्यादा फिल्मों के बारे में मैं जानता हूँ, ये मेरा मानना है. क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए राम गोपाल वर्मा जी के लिए.